क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फंक्शन गिवन है वाई इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस 3 और प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स की पावर 2। देखिए हर बार हमारी एक्स बेस है, पावर भी हमारी एक्स के टर्म में, यहाँ पर भी एक्स की पावर एक्स के टर्म में ही है। तो मैं इसे पहले वाई इक्वल टू ये वाला हमारा जो फंक्शन है वाई वन मान रहा हूँ उसको मैं, और ये वाला जो हमारा फंक्शन है वाई टू है। देखिए इन दोनों का मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो कितना हो जाएगा, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, वाई वन का हो जाएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स और वाई टू का हो जाएगा डी वाई टू अपॉन डी एक्स। देखिए मैं दोनों ही टर्म्स के जो दोनों फंक्शन हैं अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके उनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। इसे मैंने इक्वेशन नंबर वन मान लिया। यहाँ पर लिख रहे हैं सबसे पहले वाई वन फंक्शन, तो ये हमारा है एक्स की पावर टू माइनस थ्री। देखिए यहाँ पर भी हमारा बेस एक्स है, यहाँ पर भी हमारा एक्स है टर्म पावर में, तो दोनों तरफ क्या लेंगे हम लॉग ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब भी कभी एक्स की पावर में एक्स वाला ही टर्म होता है तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई वन से पहले लग जाएगा लॉग, लग जाएगा लॉग वाई वन इक्वल टू लॉग एक्स की पावर टू माइनस थ्री। ये वाली हमारी पावर है, ये बाहर आ जाएगी, देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स की पावर टू माइनस थ्री इंटू में लॉग एक्स हमारा ऐसे रह जाएगा। ये हमारा पहला वाला फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो जाएगा। अब हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए लॉग वाई वन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा वन अपॉन वाई वन, फिर वाई वन का करेंगे कितना हो जाएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, पहला वाला फंक्शन हमारा ऐसे रहेगा एक्स की पावर टू माइनस थ्री, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस। देखिए अब हमारा लॉग एक्स जो दूसरा वाला फंक्शन था वो ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम पहले वाले फंक्शन का एक्स की पावर टू माइनस थ्री का, एक्स की पावर टू का कितना हो जाएगा टू एक्स, माइनस थ्री का कितना हो जाएगा जीरो, इसे ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए अगर हम इस टर्म में एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर टू माइनस थ्री, एक्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे कितना हो जाएगा टू एक्स की पावर टू इंटू लॉग एक्स। और देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स, और ये वाला वाई वन जो टर्म था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारा इधर जाएगा, तो वो दोनों ही टर्म से मल्टीप्लिकेशन करेगा और वाई वन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे कितनी थी हमारी लॉग एक्स की पावर टू माइनस थ्री। इस तरह से हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर टू। ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है डी वाई वन अपॉन डी एक्स की जगह। अब मैं देखिए वाई टू वाला फंक्शन जो हमने माना था, वाई टू माना था हमने ये एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स की पावर टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम वाई टू इक्वल टू एक्स माइनस थ्री उसकी पावर क्या है एक्स की पावर टू। देखिए ये भी हमारा एक्स वाला टर्म, उसकी पावर भी मेरी एक्स के टर्म में ही है, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉग वाई टू क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स की पावर टू, ये वाला टर्म हमारा पावर में बाहर आ जाएगा, इसे लिखेंगे एक्स की पावर टू लॉग एक्स माइनस थ्री। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा देंगे, ये हमारा पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ देखिए वाई टू का कितना हो जाएगा लॉग वाई टू का हो जाएगा वन अपॉन वाई टू और फिर वाई टू का हो जाएगा डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर टू, पहला फंक्शन हमारा ऐसे रहा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखिए लॉग एक्स माइनस थ्री का हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस थ्री और फिर हमारा ये वाला टर्म दूसरा वाला प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरा वाला टर्म हमारा ऐसे रह जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम पहले वाले फंक्शन का, कितना हो जाएगा हमारा टू एक्स। तो देखिए ये वाला जो वाई टू था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, इसे हम लिखेंगे डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए वाई टू हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा, वाई टू की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स की पावर टू, ये वाला था। फिर यहाँ देखिए एक्स की पावर टू अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस ये वाला टर्म हमारा जो टू एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री ऐसा का ऐसे रह जाएगा। देखिए हमारी ये जो वैल्यू थी वाई वन की, ये हमारी एक्स की पावर टू माइनस थ्री थी, तो ये लॉग यहाँ नहीं था, तो ये हमारा था एक्स की पावर टू माइनस थ्री। तो देखिए ये हमारे इक्वेशन नंबर थ्री, मैंने इन दोनों की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर वन में पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा जो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा
इक्वल्स टू, देखो पहले तो हमने डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारी वैल्यू आई थी यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगी एक्स की पावर टू माइनस थ्री, और ये हो गया था हमारा एक्स की पावर टू माइनस थ्री प्लस टू एक्स की पावर टू इंटू लॉग एक्स, और अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस, और डी वाई टू अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू ये थी एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स की पावर टू, ये हो जाएगा एक्स की पावर टू अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री, यही हमारा आंसर।